हेलो डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी द पार्ट टू ऑफ एचआरएम मैकेनिज्म प्रमोशन। एज इन पार्ट वन वी हैव स्टडीड द मीनिंग ऑफ प्रमोशन एंड एडवांटेजेस ऑफ प्रमोशन एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ प्रमोशन एंड ऑल्सो स्टडीड बेसिस ऑफ प्रमोशन, सीनियरिटी बेस्ड प्रमोशंस एंड मेरिट बेस्ड प्रमोशंस। यहाँ तक हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके और अब आज की क्लास में इसके आगे की बात करेंगे। हम बात करने जा रहे हैं प्रमोशन पॉलिसी की। जैसा कि हमने लास्ट क्लास में पढ़ा कि प्रमोशन के दो क्राइटेरिया होते हैं, सीनियरिटी और मेरिट, लेकिन दोनों के अपने ही लिमिटेशंस होते हैं। सीनियरिटी एंड मेरिट द सफर फ्रॉम सर्टन लिमिटेशंस। टू बी फेयर देयर फॉर अ फॉर्म शुड इंस्टीट्यूट अ प्रमोशन पॉलिसी दैट गिव्स ड्यू वेटेज टू बोथ सीनियरिटी एंड मेरिट, कि दोनों को ही वेटेज दिया जाए, यानी इस तरीके से बैलेंस्ड वे में प्रमोशन को अप्लाई किया जाना चाहिए। द प्रमोशन पॉलिसी शुड कंसीडर द फॉलोइंग पॉइंट्स। द नंबर वन इज फेयर एंड इक्विटेबल, कि जो प्रमोशन पॉलिसी हो वो फेयर होनी चाहिए और क्लियर इसका क्राइटेरिया होना चाहिए कि मेरिट और सीनियरिटी या फिर दोनों को इसमें अप्लाई किया जा सकता है। इक्वल अपॉर्चुनिटी सभी के लिए अवेलेबल होनी चाहिए फॉर ऑल कैटेगरीज ऑफ जॉब्स एंड डिपार्टमेंट्स। एंड द थर्ड वन इज ओपन पॉलिसी, कि यह व्यापक होनी चाहिए। इट मस्ट टेल द एम्प्लॉयज द वेरियस एवेन्यूज ऑफ अचीविंग वर्टिकल ग्रोथ, की वह उनको ग्रोथ के सारे एस्पेक्ट्स को बताने वाली होनी चाहिए। स्पेसिफिकेशन ऑफ मोड ऑफ एक्वायरिंग स्किल्स, कि यह भी बता सकती हो पॉलिसी कि किस तरीके से प्रमोशन के लिए स्किल्स नॉलेज को एक्वायर किया जा सकता है। द मोड ऑफ एक्वायरिंग न्यू स्किल्स नॉलेज एटसेट्रा शुड बी स्पेसिफाइड टू ऑल एम्प्लॉयज एंड अप्रोप्रिएट अथॉरिटी, कि जो प्रमोशन है वो अप्रोप्रिएट अथॉरिटी के थ्रू ही किया जाना चाहिए, यानी कि सिर्फ अधिकृत व्यक्ति ही प्रमोशन कर सके, इस तरीके की नीति एक उपक्रम में होनी चाहिए। अब बात कर रहे हैं बेस्ड ऑन नॉर्म्स, कि ये जो पॉलिसी हो या जो प्रमोशन हो वह सर्टेन रूल्स के ऊपर बेस्ड होना चाहिए। द नॉर्म्स ऑफ जजिंग मैरिट, लेंथ ऑफ सर्विस एंड पोटेंशियलिटी एटसेट्रा मस्ट बी इस्टेब्लिश्ड बिफोर हैंड, पहले इनकी स्थापना की जानी चाहिए। ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए पॉलिसी, कि पॉलिसी में किसी तरीके का ओपेक नहीं होना चाहिए, ये एकदम क्लियर होनी चाहिए। साथ ही साथ ये कम्युनिकेटिव भी होनी चाहिए। एम्प्लॉयज एक्सपेक्ट टू बी इन्फॉर्म्ड अबाउट लैडर्स ऑफ प्रमोशन, हाउ दे कैन प्रिपेयर देमसेल्फ फॉर एडवांसमेंट, सो इट शुड बी ट्रांसपेरेंट एंड शुड बी कम्युनिकेट टू ऑल द एम्प्लॉयज एंड बेस्ड ऑन केयरफुल रिव्यू, कि यह केयरफुल रिव्यू पर बेस्ड होनी चाहिए कि जो कोई प्रमोशन किया जाता है तो वह रातों रात किसी व्यक्ति को जज करके नहीं किया जा सकता है, उसके लिए एक केयरफुल रिव्यू रिक्वायर्ड होता है। इन सिलेक्टिंग कैंडिडेट फॉर प्रमोशन, केयरफुल रिव्यू ऑफ एनी ऑब्जेक्टिव रिकॉर्ड्स ऑफ परफॉर्मेंस एज वेल एज अप्रेजल इज नेसेसरी। द मैन टू बी प्रमोटेड शुड नॉट बी सिलेक्टेड कैजुअली और ऑन द बेसिस ऑफ समथिंग दैट हैपन्ड लास्ट वीक। एंड अब बात करने जा रहे हैं कि ये बेस्ड ऑन रिकॉर्ड्स होनी चाहिए, कि डिटेल्ड रिकॉर्ड्स ऑफ सर्विस परफॉर्मेंस एटसेट्रा शुड बी मेंटेन्ड फॉर ऑल एम्प्लॉयज टू अवॉइड चार्जेस ऑफ फेवरेटिज्म, की पक्षपात की संभावनाओं से बचने के लिए इसके बारे में सारे अभिलेख या रिकॉर्ड्स अवेलेबल होने चाहिए और इनके ऊपर ये आधारित होनी चाहिए। बेस्ड ऑन रिकॉर्ड्स यह होना चाहिए। कंसिस्टेंसी यानी संगतता होनी चाहिए। द प्रमोशन पॉलिसी शुड बी कंसिस्टेंट, इट शुड बी अप्लाइड टू ऑल एम्प्लॉयज, की सभी के लिए यह उपलब्ध हो, इस तरीके की नीति होनी चाहिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। इसके बाद हम बात करने जा रहे हैं कि यह बेस्ड ऑन प्रमोशन चार्ट होनी चाहिए, कि ये जो प्रमोशन जो दिया जाएगा है इसके लिए एक क्लियर डिफाइंड चार्ट होना चाहिए, वेल डिफाइंड प्रमोशन चार्ट होना चाहिए, जो कि यह बताता हो कि एम्प्लॉय जो है किस तरीके से प्रमोशन अचीव कर सकते हैं। प्रमोशन पॉलिसी शुड बी इस्टेब्लिश अ वेल डिफाइंड प्रमोशन चार्ट शोइंग हु कैन गो अप टू व्हाट लेवल इन द ऑर्गेनाइजेशन। इसके साथ ही साथ हम बात करने जा रहे हैं कि इसमें इट शुड कंटेन ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस, की जो पॉलिसी हो प्रमोशन पॉलिसी इसमें ऑल्टरनेटिव ऑप्शन भी बताए जाने चाहिए, कि अगर एम्प्लॉय को प्रमोशन नहीं मिलता है तो उसकी प्रमोशन एम्बिशन को किस तरीके से सेटिस्फाई किया जा सकता है, जबकि वह व्यक्ति योग्य है तो उसकी योग्यता अनुसार उसे और किस तरीके से प्रमोट किया जा सकता है। प्रमोशन पॉलिसी शुड कंटेन ऑल्टरनेटिव्स टू प्रमोशन व्हेन डिजर्विंग कैंडिडेट आर नॉट प्रमोटेड ड्यू टू लैक ऑफ वैकेंसीज एट हायर लेवल। दीज ऑल्टरनेटिव्स इंक्लूड अपग्रेडेशन, रीडेजिग्नेशन, सैंक्शनिंग ऑफ अ हायर पे और इंक्रीमेंट्स और अलाउंसेस। इट शुड बी क्लियर वेदर टू प्रमोट एम्प्लॉय अगेंस्ट वैकेंसीज और नॉन वैकेंसीज, तो इस तरीके से ऑल्टरनेटिव्स भी इसमें इंक्लूड होने चाहिए। फॉलो अप सिस्टम होना चाहिए, कि फॉलो अप सिस्टम होने से यह रहता है कि जो है काम जो है वो काफ़ी सोच विचार के किया जाता है और इसमें गलतियाँ नहीं रहती हैं। इट मस्ट बी प्रोवाइड अ सूटेबल सिस्टम ऑफ फॉलो अप काउंसलिंग एंड
रिव्यू, और साथ ही साथ इसमें ट्रायल पीरियड को इंक्लूड किया जाना चाहिए। प्रमोशन इनिशियली मे बी फॉर अ ट्रायल पीरियड सो एज टू मिनिमाइज द मिस्टेक ऑफ प्रमोशन एंड रिव्यूड पीरियडिकली, कि जो भी प्रमोशन दिया जाए उसका रिव्यू जो किया जाते रहना चाहिए टाइम टू टाइम। प्रमोशन पॉलिसी शुड बी, प्रमोशन का भी रिव्यू किया जाना चाहिए और प्रमोशन पॉलिसी में ये व्यवस्था होनी चाहिए कि इस पॉलिसी को भी टाइम टू टाइम रिव्यू किया जाता रहे। अगर इसमें कुछ करेक्शंस रिक्वायर्ड है, कुछ चेंजेस रिक्वायर्ड है, तो उनको भी इसमें ऐड किया जाना चाहिए। प्रमोशन पॉलिसी शुड बी रिव्यूड बेस्ड ऑन द फाइंडिंग्स ऑफ एटीट्यूड एंड मोरल सर्वेस। तो इस तरीके से एक प्रमोशन सर्टेन पॉलिसी पर बेस्ड होना चाहिए और पॉलिसी में ये सारी बातें इंक्लूडेड होनी चाहिए। अब बात कर रहे हैं हम डिमोशन की। जैसा कि नाम से ही क्लियर है कि जो प्रमोशन होता है वो डिमोशन, प्रमोशन के रिवर्ड जो बात होती है उस बात को हम डिमोशन के नाम से जानते हैं। सो डिमोशन इज़ रिवर्स ऑफ प्रमोशन। इट इज़ अ डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ एन एम्प्लॉई इन हायरार्की विद लोअर स्टेटस सैलरी एंड डिक्रीज्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। यानी पदोन्नति से आशय एक संगठन में एक कर्मचारी की निम्न स्थिति वेतन और दायित्व के साथ अधोमुखी गतिशीलता से होता है। पदावनति या डिमोशन किया क्यों जाता है? वह इसलिए किया जाता है कि जबकि एम्प्लॉई अपने पद के अनुरूप कार्य को नहीं कर पाता, उसका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं होता, तब किया जाता है। द एम्प्लॉय मे बी अनेबल टू मीट द चैलेंजेस पोज बाय अ न्यू जॉब, इसलिए उसको डिमोट किया जा सकता है। ही मे हैव लो एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स, उसके पास में प्रशासनिक योग्यताएं की कमी हो, तो इसलिए उसे डिमोट किया जाता है, डिमोशन उसका किया जा सकता है। ही मे बी अनेबल टू मीट मल्टीप्लेयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, वो कई सारे दायित्वों को नहीं निभा सकता। ड्यू टू पुअर बिजनेस कंडीशंस एंड कंटिन्यूस लॉसेस अ फर्म मे डिसाइड टू ले ऑफ सम एंड टू डाउनग्रेड अदर्स। एक ये भी कारण है कि जब बिजनेस कंडीशंस प्रॉपर नहीं होती हैं तो उसके कारण कुछ को तो कामबंदी की जा सकती है और जबकि कुछ को जो है डाउनग्रेड किया जा सकता है, यानी डिमोट किया जा सकता है। इट कैन यूज एज अ डिसिप्लिनरी टूल अगेंस्ट एरेंट एम्प्लॉयज, यानी कि कभी कभी इसको जो है कर्मचारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही के लिए भी यूज किया जाता है। वेयर देयर हैव बीन एरर्स इन प्रमोशंस एंड दीज नीड टू बी करेक्टेड, जब प्रमोशन गलत किया गया हो तो उसको सुधारने के लिए भी डिमोशन की कार्यवाही की जाती है। लेकिन डिमोशन की जो कार्यवाही हो वो एक सर्टेन पॉलिसी पर बेस्ड होनी चाहिए। तो डिमोशन मे हैव डिवास्टिंग इम्पैक्ट ऑन एम्प्लॉय मॉरल, इट इज़ एक्सट्रीमली पेनफुल एक्शन, इट मे इम्पेयर ग्रुप्स एंड सुपीरियर सबॉर्डिनेट्स रिलेशनशिप, सो इट शुड बी बेस्ड ऑन पॉलिसी। और ये जो पॉलिसी है इस पॉलिसी में क्लियर रूल्स होने चाहिए। जो ये पॉलिसी होती है इट शुड कंसिडर द सर्टेन पॉइंट्स that is clear rules of demotion must be made available to all employees, स्पष्ट नियम होने चाहिए और इसकी जानकारी सभी कर्मचारियों को होनी चाहिए। any violation of policy or rules must be investigated thoroughly, कि जो भी नियमों का उल्लंघन किया जाए तो उसका investigation किया जाना चाहिए properly। in case of violation there should be कंसिस्टेंट एप्लीकेशन ऑफ द पेनल्टी, की पेनल्टी क्या होगी इसकी भी व्यवस्था इसमें की जानी चाहिए। पॉलिसी में यह मेंशन होना चाहिए। द रीज़न फॉर डिमोशन शुड बी कम्युनिकेटेड टू एम्प्लॉय, कि एम्प्लॉय को इसका रीज़न बताया जाना चाहिए कि डिमोशन क्यों किया जा रहा है। देयर शुड बी इनफ कंसिडरेशन फॉर रिव्यू, कि जो एम्प्लॉयज हैं उनको जब डिमोट किया जा रहा है तो जो पॉलिसी है उस पॉलिसी का जो है रिव्यू प्रॉपरली किया जाना चाहिए। देयर शुड बी इनफ कंसिडरेशन फॉर रिव्यू, देयर शुड बी नो एम्बिगियस एंड डिसगुस्ट डिमोशंस, की किसी भी तरीके से जो प्रमोशन डिमोशन किए जाएँ वो अस्पष्ट नहीं होने चाहिए, दैट शुड बी क्लियर। इसी के साथ साथ ये भी कहा गया कि द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर शुड बी फ्लूड विद इंक्रीजिंग यूज ऑफ वर्क टीम टास्क फोर्स एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, एंड डिमोशन शुड बी एज फार एज पॉसिबल विदाउट लॉस ऑफ पे, कि जहाँ तक हो सके यह इसमें फिनेंशियल लॉस नहीं होना चाहिए। सम एडवांस सिग्नल्स ऑफ डिमोशंस कैन बी गिवन टू ए डिमोटेड एम्प्लॉय, कि कभी जो ये डिमोशन का काम किया जाए, जैसा कि कहा कि यह एक काफ़ी सेंसिटिव काम है और इसके एम्प्लॉय के मॉरल पर काफ़ी बुरा असर होता है और कर्मचारी और प्रबंधकों के संबंध भी इससे प्रभावित होते हैं, इसलिए बहुत सोच समझ के किया जाना चाहिए और ऐसा करने से पहले उसको ज़रूरी सिग्नल यानी एक संकेत दिए जाने चाहिए। तो ये सारी बातें एक पॉलिसी में इंक्लूड होनी चाहिए कि क्लियर कट पॉलिसी जो होगी उस पॉलिसी के ऊपर, जब पॉलिसी का जब बनाया जा रहा हो, उसको फॉर्मुलेट किया जा रहा हो, तो इन बातों का ध्यान इसमें रखा जाना चाहिए। तो इस तरीके से हमने ये पढ़ा
कि जो है प्रमोशन क्या होता है, प्रमोशन की क्या एडवांटेज डिसएडवांटेज है। इसी के साथ साथ हमने डिमोशन के बारे में भी जाना कि डिमोशन किसे कहते हैं और डिमोशन के क्या कारण हो सकते हैं और डिमोशन पॉलिसी में क्या क्या इंक्लूडेड होता है, इसकी बात हमने आज की क्लास में की। इसके जो नोट्स हैं वो मैं आपको व्हाट्सएप पर अवेलेबल करवाऊँगी। और अब हम बात करते हैं आज के असाइनमेंट की कि आपको असाइनमेंट करना है राइट ए नोट ऑन प्रमोशन एंड डिमोशन। इसमें आप प्रमोशन और डिमोशन पे डिटेल लिखेंगे, डिटेल्ड नोट लिखेंगे कि प्रमोशन किसे कहते हैं, क्यों, इससे क्या फ़ायदे होते हैं और किस तरीके से इसकी सीमाएं हैं, और इसी तरीके से आप डिमोशन के बारे में भी डिटेल से बताएंगे। दैट्स इट, थैंक यू।